और अब देखिए देश दुनिया की 20 बड़ी खबरें। नेशनल हेराल्ड मामले में आज फिर ईडी राहुल गांधी से पूछताछ करेगी। एक दिन पहले राहुल गांधी से 8 घंटे तक लंबी पूछताछ हुई, उनसे 2 दौर में सवाल जवाब हुए। मनी लॉन्ड्रिंग केस में राहुल को ईडी ने पहले 2 जून को पेश होने को कहा था, लेकिन विदेश में होने की वजह से राहुल गांधी पेश नहीं हो पाए। ईडी के दूसरे नोटिस के बाद राहुल गांधी अपना बयान दर्ज करवाने पहुंचे थे। प्रदेश की अमेठी के केराना गांव में एक विमान हादसा हो गया। वहां पर ट्रेनिंग के लिए उड़ान भरने वाले विमान का इंजन अचानक खराब हो गया, जिसके बाद एयरक्राफ्ट की इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ी। इस दौरान विमान का अगला हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। हालांकि उसमें सवार ट्रेनी पायलट बार बार बच गया। इस हादसे की वजह की जांच शुरू हो चुकी है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों के हाथ बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पिछले 24 घंटे में सुरक्षा बलों ने 4 आतंकियों को ढेर कर दिया है। घाटी में इस साल अब तक सुरक्षा बलों ने 100 आतंकियों को ढेर कर दिया है, जिनमें से 3 पाकिस्तानी आतंकी भी शामिल हैं। रविवार देर शाम सुरक्षा बलों ने लश्कर के आतंकवादी आदिल पारे को एनकाउंटर में मार गिराया। प्रदेश के गौंजा में मां की डांट से नाराज होकर एक 12 साल की लड़की बिजली के टावर पर चढ़ गई। वो जिस टावर पर चढ़ी वो 100 फीट ऊंचा था, जिसके बाद उसे मनाने उसकी मां और गांव के लोग और पुलिस वाले पहुंचे, लेकिन वो नहीं मानी और टावर पर चढ़कर घंटों तक ड्रामा करती नजर आई। गांव वालों का कहना है कि लड़की की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है और इसी वजह से उसने ये हरकत की। मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व में P-141 नाम की बाघिन ने 2 शावकों को जन्म दिया। 4 दिन पहले ही वहां पर 2 बाघों की मौत की खबर से हड़कंप मच गया था, लेकिन 2 शावकों के जन्म ने उस कमी को एक हद तक पूरा कर दिया है। इन दोनों शावकों के जन्म के बाद रिजर्व में 75 से अधिक बाघ यहां पर हो चुके हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर में लेडी गैंग का खौफ नजर आया। इस गैंग ने एक लड़की की सड़क पर जमकर पिटाई की है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। पीड़िता ने पुलिस से इस बात की शिकायत की और बताया कि 4 लड़कियों ने इसे पीटा है, और इसलिए पीटा क्योंकि उसने उन्हें घूर कर देखा था। पुलिस इस लेडी गैंग की तलाश कर रहे हैं और जांच में जुट गई है। यूपी के देवबंद में प्रशासन ने भू माफिया पर कड़ी कार्रवाई की है। वहां पर प्रशासन ने अवैध कॉलोनियां गिरा दी हैं। उनका कहना है कि ये कॉलोनियां नक्शा पास करवाते समय नहीं थी और उन्हें अवैध तरीके से बनाया गया है, जिसकी वजह से उन पर बुलडोजर चला। राज्य सरकार के आदेश से उत्तर प्रदेश में लगातार ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जा रही है जिन्होंने सरकारी जमीन हथिया ली है और उस पर ठिकाना बनाया। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एक चलती कार में अचानक आग लग गई। घटना देर शाम की बताई जा रही है, जब मुजफ्फरनगर से देहरादून जा रही कार में अचानक आग लग गई, जिसके बाद अफरा तफरी मच गई। कार में सवार 2 लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई, जिसके बाद कार पूरी तरह से जल गई। कार के ड्राइवर का ये कहना है कि घटना शॉर्ट सर्किट की वजह से हुई। उत्तराखंड के काशीपुर में एक पुलिस वाले ने इंसानियत की मिसाल पेश की है। वहां पर एक पुलिस कांस्टेबल ने अपनी ड्यूटी के दौरान एक मासूम की जान बचाई, जिसकी सीसीटीवी फुटेज में सारी रिकॉर्डिंग हो चुकी है, जिसमें देखा जा रहा है कि चौराहे से गुजर रहे रिक्शा से अचानक एक बच्चा जमीन पर गिर गया, जिसके बाद कांस्टेबल ने फुर्ती दिखाई और सामने से आ रही बस को रोका और बच्चे की जान बचा ली। लखनऊ में एक महिला के घर पर फायरिंग करने और बम फेंकने का वीडियो सामने आया है। बताया ये गया है कि जानकीपुरम इलाके में कुछ लोग महिला के घर पहुंचे और कॉल बेल दबाई और जैसे ही दरवाजा खुला उस पर फायरिंग शुरू कर दी। यही नहीं, बम से भी हमला किया गया। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके आधार पर जांच की जा रही है। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में एक ओवरलोड डंपर में अचानक आग लग गई। इस दौरान ड्राइवर ने उससे कूदकर अपनी जान बचाई। डंपर में आग लगने के 1 घंटे के बाद यहां पर यातायात प्रभावित रहा और करीब 5 घंटे तक जाम लगा रहा। ड्राइवर का ये कहना है कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी है, जिसे बुझाने में गांव वालों के पसीने छूट गए। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में पुलिस की 3 शातिर बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और उनके पास से करीब 80,000 रुपए और एक फोन बरामद किया गया है। तीनों बदमाशों की तलाश इसी महीने की 8 तारीख से शुरू हुई थी। लूट की वारदात के बाद इनकी तलाश की जा रही थी। इस घटना में आरोपियों ने करीब 2 लाख रुपए की लूट की थी। दिल्ली के पास नोएडा में पुलिस ने चीन के 2 नागरिकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि चीन के ये दोनों नागरिक बिना वीजा के
बिहार बॉर्डर के रास्ते घुसे थे। जांच में पता चला है कि दोनों ग्रेटर नोएडा में अपने एक दोस्त के पास रह रहे थे, जिन्हें पुलिस ने पकड़ लिया है। पता चला है कि चीन के दोनों नागरिकों ने अपने वीजा पर गलत तारीख डाली थी। नैनीताल घूमने वाले लोगों को नैना देवी के दर्शन करने के लिए साड़ी या सूट ही पहनना होगा। मंदिर के मैनेजमेंट ने बाहर एक बोर्ड लगा दिया है, जिस पर लिखा गया है कि मंदिर में मर्यादित और शालीन वस्त्र पहनकर ही घुसें। मंदिर प्रबंधन का ये कहना है कि ऐसा इसलिए किया गया है ताकि स्थानीय लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस ना पहुंचे। गुजरात के जामनगर में गाय के हमले में बुजुर्ग की दर्दनाक मौत हो गई। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई है। वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह से सड़क पर घूम रही गाय अचानक से बुजुर्ग शख्स के पास आती है और हमला कर देती है। 40 सेकंड के इस वीडियो में गाय बुजुर्ग पर तब तक हमला करती रहती है जब तक बुजुर्ग शख्स की मौत नहीं हो जाती। उज्जैन में हुई बारिश से महाकाल मंदिर के अंदर पानी भर गया है। यहाँ पर मंदिर में पानी घुसने से अफरा तफरी मच गई। पानी बाबा महाकाल के गर्भगृह के सामने नंदी हॉल तक पहुंच गया। इसके अलावा गणेश मंडप के पास ऊपर से झरना बहने लगा। मंदिर में पानी भरने की वजह से भक्तों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। मंदिर समिति ने जैसे जैसे वाइपर से पानी निकालकर स्थिति संभालने की कोशिश की। इस बीच कई श्रद्धालुओं का प्रवेश भी रोक दिया गया। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में हथियारबंद बदमाशों ने दो युवकों पर हमला कर दिया। इस हमले की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। सीसीटीवी वीडियो में हथियारबंद बदमाश दो युवकों पर हमला करते नजर आ रहे। इस हमले में दोनों युवक बुरी तरह से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बॉलीवुड अभिनेता शक्ति कपूर के बेटे सिद्धांत कपूर को बेंगलुरु के होटल में चल रही पार्टी में पुलिस छापेमारी के दौरान हिरासत में लिया गया है। बेंगलुरु पुलिस के मुताबिक वो कथित तौर पर ड्रग्स का सेवन करने वाले 6 लोगों में शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक यहां पर पार्टी चल रही थी और रिपोर्ट में जिन 6 लोगों के ड्रग्स कंज्यूम करने की पुष्टि हुई, उनमें से एक सैंपल अभिनेत्री श्रद्धा कपूर के भाई सिद्धांत कपूर का था। पुणे पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस आपको बता दें कि पुणे शहर की पुलिस ने एक कबाड़ के कारोबारी को हिरासत में लिया। इसके बाद आपको बता दें इनके पास से 1,105 गोलियां जब्त की गई हैं। ये जानकारी पुणे पुलिस की ओर से दी गई। पुलिस ने बताया कि दिनेश उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले का रहने वाला है और लंबे समय से पुणे में रह रहा है। पुलिस की जानकारी के अनुसार कबाड़ी के पास से 1,105 गोलियां बरामद की गई हैं। यूपी के बदायूं में कर्मचारी को अस्पताल के अंदर पार्किंग शुल्क महंगा पड़ गया। एक महिला ने कर्मचारी की चप्पल से पिटाई कर दी। पिटाई का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। जब महिला पिटाई कर रही थी तो मौके पर पुलिस भी थी। पुलिस के सामने ही पार्किंग संचालक को चप्पलों से महिला पीटती हुई नजर आई। ये पूरी घटना सदर कोतवाली क्षेत्र की बताई जा रही है। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें।